एकदम रिफाइंड इंजन का जैसा भाई एग्जॉस्ट आता है तो वही मैं अब इस बाइक का मैं सुन पा रहा हूँ चलाते हुए। और सर्विसिंग पे बस इंजन ऑयल चेंज किया, ऑयल फिल्टर चेंज किया और सर्विसिंग का कॉस्ट भाई 7। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल PS बाइकर एंड तुम सभी लोगों का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो पर। सो ये बाइक का ना, ये जो नया NS200 तुम लोग अभी देख रहे हो, तो अभी मैं 5 गियर पे यहाँ पे चला रहा हूँ जो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले में दिख रहा है। और मैंने अभी ट्रिप भी यहाँ पे करके रखा है, घर से निकलते हुए मेरा 1 किलोमीटर हो गया, कल फर्स्ट सर्विस हुआ इसीलिए उसका टेस्ट ड्राइव करने के लिए निकल गया मैं। और रियर ब्रेक ना मुझे थोड़ा कम लग रहा है और फ्रंट ब्रेक सही है। एकदम रिफाइंड इंजन का जैसा भाई एग्जॉस्ट आता है तो वही मैं अब इस बाइक का मैं सुन पा रहा हूँ चलाते हुए, एकदम रिफाइंड इंजन। और कल ही जैसे इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ है तो रिफाइंड तो हो गई। तो जैसे ही देखो मैं अभी 6th गियर में हूँ तो इसको जस्ट मैं 1 गियर डाउन कर रहा हूँ, 5th गियर में आ रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा अटक रहा है। गियर शिफ्टिंग तो भाई पहले स्मूथ था, पता नहीं अभी क्या कर दिया कि ये जो अभी 3-4 गियर इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन 5 गियर में बाइक जो है गियर जब मैं इसका डाउन कर रहा हूँ, अभी देखो यहाँ पे सामने 5 गियर है तो जैसे मैं इसको डबल डाउन करने जाता हूँ लेकिन अटक रहा है। 4th गियर 3rd गियर 2 गियर में ये अटक नहीं रहा है, लेकिन ये जैसे मैं 6th गियर पर भी जब मैं हूँ तो उसमें जब 1 गियर में डाउन करता हूँ तो तभी ऐसा हो रहा है, 5th गियर में ये अटक रहा है। और मैंने ना भाई एक नया वीडियो छोड़ा है मेरे चैनल का, अभी जो लेटेस्ट वाला है, ये अब ये जो डिजिटल डिस्प्ले है तो इसका फुल डिटेल्स मैंने सब कुछ जानकारी मैंने अपने वीडियो में शेयर किया। आई होप कि आप लोग देखो जाके, तो देखना और कमेंट करना एंड साथ साथ शेयर ज़रूर कर देना। और हाल ही में बजाज ने एक नया बाइक लॉन्च किया है N250, नया बाइक नहीं है एक्चुअली, वो न्यूली लॉन्च किया है एकदम थोड़ा सा कुछ अपडेट करके, N250 एकदम नया वाला, नया ग्राफिक डिज़ाइन के साथ और ऐसा है फुल डिजिटल डिस्प्ले के साथ और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ N250 ने लॉन्च किया है, उसका भी मैं वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। और एक बात भाई, सच में भाई USD फोक सस्पेंशन के कारण ना भाई इसका जो हैंडलिंग है वो मुझे काफ़ी स्मूथ लगता है और जो मुझे एक अलग सा भाई ये फील आता है। और मैं जो अपना BS4 वाला NS है तो उसमें वो मैं फील नहीं कर पाता, एकदम काफ़ी बढ़िया हैंडलिंग जो मुझे मिल रहा है इस बाइक में। और नेक्स्ट वीडियो जो अपना आएगा ना भाई वो इसी के माइलेज टेस्ट के ऊपर होगा, मैं इसका माइलेज टेस्ट करूंगा, उसका आप लोगों को ऑन रोड प्रूफ दिखाऊंगा कितना इसका जो है नया वाला NS200 का माइलेज मुझे मिल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे चैनल पे बने रहना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ज़रूर इसका जो है वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मुझे कितना इसका जो माइलेज मुझे मिल रहा है हाईवे मतलब नॉर्मली रोड पे, शायद नाका चेकिंग चल रहा है। और अगले वीडियो में मैंने दिखाया कि DT कैसे निकालते हैं, आप लोग टाइम कैसे चेंज कर सकते हो, सब कुछ मैंने अपने अगले वीडियो में बताया, तो प्लीज़ अपना जो लेटेस्ट वाला वीडियो वो जाके तुम लोग देख सकते हो। तो यहाँ से लेफ्ट चलते हैं थोड़ा। सो आँखों में ना कीड़ा घुस गया था उसके कारण भाई यहाँ पे रुका था और अपना जो आँख है बाई तरफ का वो एकदम लाल हो चुका है। और ये है अपना बड़ा फाफड़ी अपने सिलीगुड़ी में और ये काफ़ी पीसफुल प्लेस है, जंगलों के बीच में ये रास्ता जाता हुआ, एक अंदर एक गांव है बड़ा सा गांव, यहाँ पे गर्मी के टाइम पे सभी लोग यहाँ पे चिल मारने के लिए चला आते हैं क्योंकि एक यहाँ पे एक अलग सा ये पीसफुल जगह है
और चारों तरफ अभी ये आप लोग ये पेड़ देख ही सकते हो जंगलों के अंदर। वाह अच्छा किया यार, रोड के बीच में पेड़, पेड़ को काटा नहीं है रोड बनाने के लिए, ये यहाँ पे देख के अच्छा लगा। और ये वैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया है, यहाँ पे देख ही सकते हो लेफ्ट साइड में पूरा जंगल ही जंगल, और ये राइट साइड में एक दो करके घर, और ये अच्छा सा रोड। पहले ये रोड उतना अच्छा नहीं था, अभी अच्छा बन चुका है। भाई साहब ये जो अभी मुझे पावर इस बाइक का मिल रहा है ना, वो बहुत जल्द मिल रहा है भाई। सच में भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो नया 2000 इसका जो टर्निंग रेडियस है ना वो बहुत बड़ा है इसीलिए। अरे यार इसका जो ये देखो क्लच है ना, यहाँ से ये यहाँ से कंट्रोल होता है, इसका भी थोड़ा क्लच का ना यहाँ से करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा, ये एकदम हाफ क्लच हो चुका है इसीलिए फटाक से बाइक के स्टार्ट रुक जाता है। और इसका जो टर्निंग रेडियस है बहुत ज़्यादा है इसीलिए ये घुमाने में ये काफ़ी बड़ा जगह लेता है। और ये जो इनेस ये जो जो लोग पल्सर यूज़ करता है खास करके, और सच में भाई मुझे अभी जस्ट मैंने इसका पावर चेक किया, काफ़ी स्मूथली और काफ़ी जल्दी बहुत जल्दी इसका जो पावर डिलीवरी आप लोगों को मिलता है, मतलब जैसे आपने एक्सलेट करना शुरू कर दिया तो बहुत ही जल्द इतना जल्दी पिकअप ये पकड़ लेता है ना। तो भाई बहुत ही जल्दी ना इंस्टेंट पिकअप ये ले लेता है, तो मैंने अभी जस्ट देखा और शायद मैं सही से आप लोगों को बता नहीं पा रहा। सो अभी मैं थोड़ा ये पीसफुल प्लेस में आ चुका हूँ जहाँ पे पेड़ है, पेड़ के नीचे मैं अभी रुका हूँ जंगलों में, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है और सुकून भी लग रहा है, हवा भी चल रहा है, तो यहाँ पर वीडियो बनाना थोड़ा अच्छा लगा। और धूप तो भाई बहुत है, गर्मी भी बहुत है, तो अपना पीछे ये NS 200 जो अभी ये काफ़ी अच्छा जो ये इसका पावर मुझे मिल रहा है पहले से। और इसका जो भाई ये बजाज की तरफ से जो इंजन ऑयल इसका जो सर्विस में ये डलवाया जाता है वो उतना अच्छा और रिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि ये आप लोग इसको अगर ज़्यादा चलाओगे तो ये अंदर से ना इंजन में ये कुछ झनझन आवाज़ की आवाज़ करने लग जाता है। क्योंकि मैं 4.5 साल से अपना इनेस यूज़ करता हूँ और मैंने भी जो अपना 3 सर्विसिंग है, फर्स्ट सर्विसिंग तो इसका हो गया फ्री में, और 2 सर्विसिंग अभी इसका बचा हुआ है। तो इसमें भी क्या है ना, बाइक का लिया हुआ है जस्ट 1 महीना हो गया शोरूम से, मतलब बाइक का 1 साल के लिए वारंटी गारंटी रहता है, तो इसीलिए क्या करना है ना भाई, जो 3 सर्विसिंग आप लोगों को फ्री में मिल रहा है, फ्री में तो बस आप लोगों को ये फ्री में मतलब जो लोग अपना जो काम करेगा उसका बस चार्जेस नहीं लेगा, बाकी इंजन ऑयल आप लोगों को ही ख़रीद के देना है, तो यही बस फ्री है। तो कंपनी ये जो फर्स्ट 3 सर्विस आप लोगों को मिलता है ये आप लोगों को शोरूम से ही करवाना चाहिए, जैसे भी हो 3 सर्विस अगर कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से इंजन ऑयल इस बाइक में डलवा सकते हो। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगा जो मैं अपने बाइक में डलवाता हूँ मोतुल का 7100 20W50, ये वाला ग्रेट, ये वाला इंजन ऑयल मैं अपने बाइक में ज़्यादातर डलवाता हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें आप लोगों का जो ये थ्रॉटल पावर है वो बहुत ज़्यादा अनलॉक हो जाएगा और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा इंजन, और इंजन ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करेगा, क्योंकि फुल्ली सिंथेटिक वाला इंजन ऑयल मैं डलवाता हूँ। मैं वैसे इसको प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन जो भी हो मैं ये डालता आया हूँ इसीलिए मुझे काफ़ी अच्छा इसका जो परफॉर्मेंस है मुझे मिला है। और इसी बाइक में भी तो वही इंजन ऑयल
आगे से डलेगा, ये और दो सर्विसिंग है वो ख़त्म होने के बाद। और सर्विसिंग पे बस इंजन ऑयल चेंज किया, ऑयल फिल्टर चेंज किया और क्या, और कुछ नहीं किया, क्योंकि बाइक नया है तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। और बहुत ही जल्द यहाँ पे इसका तो एलईडी इंडिकेटर्स दिया हुआ है, तो इसीलिए यह इस बाइक में हैज़र्ड लगाएंगे। और सर्विसिंग का कॉस्ट भाई 780 रुपये पड़ा। ये जो डिजिटल डिस्प्ले है तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, ये मैंने ट्रिप अभी किया तो 13.4 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ और अभी मुझे ये 45 किलोमीटर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी में दिखा रहा है, मैं जिस हिसाब से चला रहा हूँ तो उसका ये दिखा रहा है। और मैं ओडोमीटर देखता हूँ कितना चल चुका है, 851 किलोमीटर ये चल चुका है। मेरा ये जो फर्स्ट सर्विसिंग का जो मैंने फर्स्ट सर्विसिंग किया तो सोचा कि आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँ, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। और प्लीज़ भाई मुझे थोड़ा सपोर्ट करना क्योंकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। एंड जो लोग भाई अपने चैनल को यानी अपने वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हो और पीछे जाके देखो, मेरे पीछे के वीडियोज़ में मैंने इस बाइक के रिलेटेड मैंने बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, तो वो लोग आप लोग जाके देखो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। तो प्लीज़ भाई मुझे थोड़ा सपोर्ट करना, मेरा 1K सब्सक्राइबर बहुत जल्दी होने वाला है, मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए, बहुत दिनों से मैं यूट्यूब में लगा हुआ हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट करना। और राइड सेफ, राइड एट ऑलवेज, आप लोग अगर जब भी राइड करें तो प्लीज़ भाई अपना राइडिंग गियर्स, अपना सेफ्टी गियर्स ज़रूर पहने और हेलमेट तो भाई कंपलसरी, अगर पीछे पिलियन भी कोई रहता है तो पिलियन को भी हेलमेट पहनाए। राइड सेफ।